अभी जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये दो बार के आईआईटी जेई के ऑल इंडिया रैंक 2 स्कोरर है। बट वेट वेट वेट, आप सोच रहे होंगे कि ऑल इंडिया रैंक 2 वो भी दो बार, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार ऑल इंडिया रैंक 2 आ गई तो कोई व्यक्ति फिर से आईआईटी जेई का पेपर क्यों देगा? नहीं 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 सर, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। बट ऐसा हुआ है, ये है प्रोफेसर पवन कुमार, जो कि अभी आईआईटी खड़गपुर में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है। इन्होंने जब 12th के साथ आईआईटी जेई का पेपर दिया तो इनकी ऑल इंडिया रैंक 2 थी, लेकिन इन्हें चाहिए थी ऑल इंडिया रैंक 1, इसलिए इन्होंने एक साल ड्रॉप लिया और एक साल फिर से तैयारी करके इन्होंने दोबारा आईआईटी जेई का पेपर दिया। बट रिजल्ट वॉज सेम, इन्होंने फिर से ऑल इंडिया रैंक 2 सिक्योर की और उसके बाद इन्होंने मैथमेटिक्स पर भी स्टडी की और एट दिस मोमेंट ये आईआईटी खड़गपुर में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है। इन्होंने आईआईटी खड़गपुर को ज्वाइन किया था 1994 में और सर अपनी सिंपल क्लोथिंग के कारण भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आईआईटी जेई में ऑल इंडिया रैंक 2nd आने के बावजूद इन्होंने ड्रॉप क्यों लिया, तो इसके पीछे का क्लियर रीजन किसी को नहीं पता है क्योंकि इंटरनेट पर भी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। बट सर के इस डेडिकेशन और हार्ड वर्क को सैल्यूट है क्योंकि लगातार दो बार ऑल इंडिया रैंक 2nd सिक्योर करना कोई मजाक वाली बात नहीं है। आप अगर किसी जेई एडवांस टॉपर को फिर से उसी साल कुछ 2-4 महीने बाद भी पेपर देने के लिए बोल दोगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो ऑल इंडिया रैंक 1 था वो फिर से ऑल इंडिया रैंक 1 ना आए। और ऐसा हुआ भी है, 2017 की जेई मेंस में पहली बार 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लाए थे कल्पित वीरवाल और जेई एडवांस के अंदर उसी साल जब जेई एडवांस दिया उन्होंने तो उनकी ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में भी नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना अनप्रेडिक्टेबल होता है रैंक जाना, अपनी परफॉर्मेंस में चेंज आना, लेकिन सर की जो मेहनत है उसको सैल्यूट क्योंकि इंटरनेट पर इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल थी मैंने आपके सामने रख दी। अगर आप इनके बारे में और कुछ बातें जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। धन्यवाद।